बिहार के रोहतास में शनिवार को बड़ी वारदात हुई। परसदुआ थाना क्षेत्र के परसदुआ बाजार में शनिवार की शाम सामाजिक कार्यकर्ता व करगहर के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्र के भतीजे संजीव मिश्र की दो बाइक पर सवार चार वे अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। संजीव अपने घर से नीचे उतर रहे थे कि अपराधियों ने शाम 5:30 बजे के करीब उन्हें गोलियों से भून दिया। वारदात को अंजाम देकर अपराधी हथियार लेकर लहराते हुए भाग निकले। गोली की आवाज सुन परिजन जब घर से बाहर निकले तो उन्हें खून से लथपथ देख तत्काल कैमूर जिला के मोहनिया स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संजीव के शरीर से 7 गोलियां लगने की बात बताई जा रही है। विधायक संतोष मिश्र ने कहा कि 2 दशक में उनके परिवार ने गोली मारकर हत्या करने का ये तीसरा घटना है। 6 वर्ष पूर्व संजीव के दादा कामता मिश्र और की व 1.5 दशक पूर्व पिता महेंद्र मिश्र उर्फ गुमटी मिश्र की भी गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी थी। वहीं सासाराम के SDPO विनोद कुमार रावत ने बताया कि वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बाजार में लगे CCTV फुटेज से अपराधियों की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पहली नज़र में घटना पुरानी रंजिश के कारण घटित होने का अनुमान किया जा रहा है। पुलिस स्वजनों से भी इस बारे में जानकारी इकट्ठा कर अपराधियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी करने में जुट गई है। स्वजन द्वारा कुछ लोगों पर आशंका जाहिर की गई है, उस पर जांच कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं मृतक के छोटे भाई व पंडित गिरीश नारायण मिश्र महाविद्यालय के सचिव मंजीव मिश्र ने बताया है कि वारदात सुरक्षा खामियों के कारण घटित हुई। पुलिस अगर चौकस रहती तो ये घटना कभी होती ही नहीं। वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा है। पुलिस को लेकर वारदात की सूचना मिलते ही विधायक संतोष मिश्र मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए जो भी दोषी है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।